राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपनी एक चार्जशीट में कहा है कि म्यांमार से मणिपुर को अस्थिर करने की कोशिशें हो रही है। केंद्र सरकार को इनपुट मिले थे कि सीमा पार स्थित नगा विद्रोही गुट दो प्रतिबंधित मैत्री संगठनों की मदद कर रहा है। एनआईए ने चार्जशीट असम के कोर्ट में पेश की है। एनआईए के मुताबिक हमने चाइना म्यांमार मॉड्यूल के 5 आरोपियों को पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया था। चाइना म्यांमार मॉड्यूल म्यांमार से संचालित है और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड से जुड़ा है। गिरफ्तार किए गए लोगों ने बताया कि चाइना म्यांमार मॉड्यूल भारत में घुसपैठ के लिए दो प्रतिबंधित मैत्री संगठनों की मदद करता है। मणिपुर में सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 8 से 13 मई के बीच करीब 13 लोगों को किडनैप किया गया है। इसमें 4 पुलिसकर्मी और 1 सीआरपीएफ का जवान भी शामिल है, बाकी स्थानीय लोग हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि अगवा किए गए लोगों की वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर परिवार गायब हुए लोगों की पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं। मणिपुर पुलिस ने किडनैपिंग की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें मैतेई मिलिशिया ग्रुप अरम्बाई तेंगलोक के 2 मेंबर भी हैं, जिन पर पूर्वी इंफाल के कांगपोकपी जिले से 4 पुलिसकर्मियों को अगवा करने का आरोप है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।